वेलकम टू माय चैनल रीड्स कुकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैंगो रबड़ी रोल बनाना बता रही हूँ, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले मैंगो की रबड़ी बनानी है। उसके लिए हमने मैंगो लिए हैं, आधा कप चीनी ली है, बादाम लिया है, पिस्ता लिया है, इलायची ली है और आधा लीटर हमने दूध लिया है। और अब हम दूध को गैस पर उबाल लेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए, रिड्यूस ना हो जाए। ये हमने आधा लीटर दूध लिया, इसको हमको 1/4 के करीब कर देना, इतना हमको इसको रिड्यूस करना है। अब हम आम को छीलकर मिक्सी में इसको पीस लेंगे और इसका पल्प बना लेंगे। अभी इसको हमको थोड़ा और रिड्यूस करना है, थोड़ा और ठीक करना है ताकि अच्छी सी रबड़ी बनकर तैयार हो जाए। देखिए, दूध हमारा ठीक हो चुका है। अब हम इसमें जो चीनी है, शक्कर है, वो डाल देंगे आधा कप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें इलायची डाल देंगे, इलायची पाउडर पिसा हुआ। और हमने बादाम और पिस्ते को भी काट के रख लिया है और हम वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और फिर इसमें मैंगो का पल्प मिक्स करेंगे। अब हमने गैस को बंद कर दिया है और अब हम इसमें ये जो मैंगो का पल्प है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारी मैंगो रबड़ी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल कर और 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम इसमें ब्रेड में स्टफिंग के लिए खोया बनाते हैं। बनाने के लिए हमने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और 1/4 स्पून हमने ये लिया है बीटरूट पाउडर, क्योंकि मेरे को खोया रेड कलर में बनाना है इसलिए। और 3/4 कप हमने मिल्क लिया है। तो हमने मिल्क को गैस पर रख दिया है और अब इसमें हम 1 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसको लगातार हिलाते रहेंगे ताकि ये ठीक हो जाए, इसका खोया बन जाए। और साथ ही हम इसमें बीटरूट पाउडर डाल देते हैं क्योंकि हमको इसको रेड कलर का बनाना है। और इसको हम अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए, ये हमारा खोया बनके रेडी हो गया। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब देखिए, इसके लिए हमको ब्रेड लेनी है। ब्रेड को हमको इसको हमको ऐसे अच्छे से बेल लेना है। हमने इसको अच्छे से बेल लिया है। अब जो हमने ये खोया लिया था, खोया बनाया है, इसको हम से रोल बना देंगे थोड़ा सा और इसको इस पे रख देंगे। ये इसे रख के फिर इसको धीरे धीरे दबाते हुए हमको इसको फोल्ड करते जाना है। कॉर्नर में हमको हल्का सा पानी लगा लेना है। ये हमने पानी लिया है, इसको पानी को हम इस पर हल्का सा लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारा रोल बन गया। इसी तरह हम सारी ब्रेड के रोल बना लेंगे। ये देखिए, हमने लगा दिया है, अब इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए, हमारी रबड़ी भी ठंडी हो गई है। आप चाहे तो इसको ठंडी कीजिए, आप चाहे तो ऐसे ही खाइए, लेकिन इसको गर्म नहीं डालना। ये देखिए, हमने इस पे रबड़ी डाल दी है। ये कितनी टेस्टी सी लग रही है। अब आप खुद भी खाइए और इसको बनाकर सबको खिलाइए।
अगर आपको इसी तरह नई नई रेसिपी सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।